क्या आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, तो आज मैं एक ऐसे कॉलेज की बात करने जा रहा हूं जो कि आपको सेकेंड ईयर में ही प्लेसमेंट दिला देता है। उसके साथ साथ आपको ट्रेन करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड चैट जीपीटी एंड मेनी मोर। और इनकी जो सबसे खास बात मुझे लगी, इफ यू आर नॉट अर्निंग इन सेकेंड ईयर देन आपकी फीस सारी वापस कर दी जाती है। यहाँ पे मतलब नो जॉब नो फीस, अगर आपके पास जॉब नहीं तो आपकी फीस भी नहीं लग रही होगी। तो ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल 15 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम 6000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लेकिन उसमें से केवल 2 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग करते हैं, जो कि एक्चुअल में जॉब लेते हैं। बाकी के 95% स्टूडेंट तुम्हारे जॉबलेस दिखाई देते हैं। उनका रीजन क्या है अभी हम आगे बात करूंगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट अपने 5-6 लाख जो कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोटा जाके अपना इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे कोचिंगों में लगाते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा IIT या फिर NIT कॉलेज मिल सके। लेकिन द रियलिटी एज के टोटली डिफरेंट होता है। मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो IIT या फिर NIT में नहीं जा पाते हैं, बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस या फिर और भी जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन लेने का सोचते हैं, क्योंकि वो कॉलेज आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं कि हमारे यहाँ 3 करोड़ का प्लेसमेंट गया है। उसके साथ साथ 95% हमारा यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, 100% बहुत सारे कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट इतनी सारी सब कुछ सोशल मीडिया पे आपको चारों तरफ कॉलेज ही कॉलेज दिख रहे होते हैं जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज और आप लोग ले लेते हो एडमिशन। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। सो दैट्स व्हाई आपको यार एक्चुअल जॉब नहीं लग पाती है, क्योंकि ये इन कॉलेज का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा ओल्ड हो रखा है। अब मैं उस पर आऊंगा। तो आप लोग सोचो यार, जो IIT मद्रास है उसका जो सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है इन इंडिया, IIT मद्रास, उसकी अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो उनके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहे हैं पिछले 3-4 साल से वो 70-77% ही रहे हैं। बाकी के बच्चे जॉबलेस हैं। जॉबलेस इन द सेंस कि वो अर्निंग नहीं कर रहे, अर्निंग कर रहे हैं लेकिन वो अलग फील्ड में, कोई अपना स्टार्टअप कर लिया, कोई अपना कुछ कर लिया। लेकिन ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये यार दावा करते हैं कि हमारे यहाँ 95% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। जब एक IIT प्लेसमेंट नहीं दे पा रही 100%, तो भाई सोचो ये प्राइवेट कॉलेजेस कैसे दे पाएंगे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग और स्ट्रेटजी और ये बिजनेस माइंड है, आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहीं पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ फंक्शनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यार IIT के लोग इसको बिल्ड किए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे आपको सेकंड ईयर में ही ये लोग प्लेसमेंट करा देते हैं। अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है इनकेस, तो आपकी पूरी फीस वापस कर देते हैं। यहाँ पे सिस्टम है कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपका कोई फीस भी नहीं लग रहा होगा। तो ये चीज काफी बढ़िया सिस्टम है इनका। अब बहुत सारे लोग के माइंड में डाउट होगा कि यार कैसे अप्लाई करना है या फिर कैसे ये हेल्प करते हैं, कैसे क्या होता है इसमें, हमें कैसे क्या करना है इसके अंदर। तो इसके ऊपर हम अभी आने वाले हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं यार ये प्राइवेट कॉलेजेस कैसे आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो यार इन सब चीजों को मैंने 3 प्रॉब्लम में डिवाइड कर रखा है। तो आइए हम समझते हैं इनको डिवाइड करके, 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके समझते हैं कि कैसे ये चीज गलत हो रही है आपके साथ। सबसे पहला चीज, कैरिकुलम एंड फैकल्टी। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनका जो कैरिकुलम है ना, ये 15 साल का पुराना चलता हुआ आ रहा है अभी तक ये बिल्कुल चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इवन कि मेरे कॉलेज में भी, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, तो वहाँ पे सी लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। भाई इंडस्ट्री में कहीं पे सी लैंग्वेज का यूज ही नहीं है। इंडस्ट्री में जाओगे कहीं वेब डेवलपमेंट पे काम हो रहा होगा, कहीं तुम्हारे नोड JS, रिएक्ट JS, ऐसे ऐसे जो टेक्नोलॉजी होते हैं, ऐसे ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर लाइब्रेरीज होती हैं उस पर काम हो रहा होता है। लेकिन ये लोग अपना पुराना ही मटेरियल यूज करते हैं, लाइक आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर इन सबको निचोड़ के देखा जाए तो इनका कहीं वैसे यूज नहीं है जो भी आप IT इंडस्ट्री में जाने वाले हो। तो इसीलिए यार यही रीजन है जो कि बाकी सारे बच्चे जॉब नहीं ले पाते हैं, बाकी सारे बच्चे कोड नहीं लिख पाते हैं। जब रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने को आता है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, तो वहां पे आप कोड नहीं लिख पाते हो, क्योंकि यही रीजन है, क्योंकि कॉलेज का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पुराना है, 15 साल का पुराना है, अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं करा है। बाकी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जैसे आपको पता होगा कि वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फिर मशीन लर्निंग, AI, इन सब चीजों पर काम हो रहा है। लेकिन कॉलेज में क्या हो रहा है, कॉलेज में कुछ अलग ही चीज पढ़ाया जा रहा है आपको, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला होता है। जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो IT कंपनी में काम कर रहते हैं, वो लोग इवन कि वो लोग ये बोलते हैं कि यार बच्चों को अभी कोड लिखना तक नहीं आता ढंग से, तो यार सोचो कि कैसे जॉब लगेगी। तो इसीलिए यार क्योंकि कॉलेज का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि कॉलेज वाले वो चीज़ सिखाते नहीं बच्चों को। अब स्कोप की बात करें तो यार जैसे कि मैंने बताया कि स्कोप है अभी रिएक्ट JS, नोड JS, MongoDB, अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो फ्लटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जो कि IT इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उन सब चीज़ों का स्कोप है। तो आपको अगर 15 साल की पुरानी चीज़ पढ़ाई जाएगी तो आप लोग कैसे जॉब ले पाओगे, सोचो, आप खुद ही सोचो। यार मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपना 4 साल जो टाइम होता है इसको आप सोच समझ के, दिमाग लगा के आप लोग कॉलेज को चूज करो। इसी के साथ हम अपना इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड ईयर में ही प्लेसमेंट दिला देता है। अब यार ये सब चीजें कैसे होती है, चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले यार इनका जो करिकुलम होता है, बेसिकली इनका जो अपडेटेड करिकुलम होता है, वो चीज
चीज़ें फॉलो करते हैं। लाइक अभी इंडस्ट्री में जैसे कि आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, इन सब चीज़ों का ट्रेंड है। तो ये आपको यार फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में ही आपको इन सारी चीज़ों पर काम करा देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ईयर आपका आता है उसमें ये लोग कंपनी लेके आते हैं, 850 प्लस हायरिंग होती है इनके यहाँ। उसके बाद उसमें स्टूडेंट प्लेस हो रहे होते हैं, इंटर्नशिप ले रहे होते हैं अप टू 50,000। तो आपकी जो पूरी फीस होती है आप 70% फीस आप सेकेंड ईयर में ही रिकवर कर सकते हो। तो आपको सेकेंड ईयर में ही क्योंकि ये लोग प्लेसमेंट करा देते हैं तो आप लोग आराम से 70% जो फीस होती है उसको रिकवर कर सकते हो सेकेंड ईयर में ही। उसके साथ साथ इनके यहाँ जो टीचर होते हैं वो भी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। इंडस्ट्री में जो लोग आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वो लोग आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, अपने मेथोलॉजी से पढ़ा रहे होते हैं, तो काफ़ी सही अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, काफ़ी बढ़िया यहाँ का इन्वायरमेंट वगैरह भी होता है। तो सब कुछ एकदम बढ़िया यार, आपको एट द एंड आपको जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब नहीं मिलती, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी जॉब नहीं मिलती है तो आपका सारा फीस आपको वापस कर दिया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। नो जॉब मतलब नो फीस, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में ध्यान लगा के रख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने 4 साल ऐसी जगह वेस्ट कर दो जहाँ पर आपको कोई भी आउटकम ना मिले। क्योंकि जो रियलिटी है यार प्राइवेट कॉलेजेस की, वो 3 से 4 लाख ही आपको प्लेसमेंट दिला पाते हैं, उससे ज़्यादा तो आप सोचो ही मत। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा अभी के टाइम पे रिसेशन एंड ले ऑफ भी चल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है किसी भी कॉलेज को अच्छे से प्लेसमेंट दिलाना। बट अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपको यार प्लेसमेंट जरूर लग जाएगी। तो आप लोग इनके जो टीचर्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, साइड में आपको स्क्रॉल बार में दिख रहा होगा। उसके साथ साथ यार बहुत सारे बच्चों के माइंड में, दिमाग में ये डाउट रह सकता है कि यार कॉलेज में तो अपने को क्लब, सोसाइटी, ड्रामा ये सब करने को मिलता है, जो कि पर्सनल ग्रोथ को हेल्प कर रहा होगा, कम्युनिकेशन स्किल के ग्रोथ कर रहा होगा, ये सब चीज़ें कैसे हो पा रही होंगी। तो यार इनको मैं आपको बता दूं कि ये जो UGC सर्टिफाइड जो कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उनमें आपको यार पढ़ने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिल रहा होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लब, सोसाइटी, ड्रामा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बहुत ही ईजिली सब कुछ कर पाओगे। इट्स लाइक कॉलेज, तो कॉलेज की तरह भी यहाँ पे कम्युनिटी होती है, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी होती है। आप लोग मतलब पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल, हर चीज़ों पे आप लोग काम कर सकते हो। आप लोग कॉलेज जाओगे, वहाँ पे जाओगे तो आप लोग को अलग अलग स्टूडेंट दिखेंगे, अलग अलग माइंडसेट के स्टूडेंट दिखेंगे, तो आप लोग बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनल जो ग्रोथ होगी वो हो पा रही होगी। तो आप लोग यार ये सब भूल जाओ। आपको अगर कोई स्पोर्ट में जाना है किसी को, तो स्पोर्ट में भी वो अपना साइड बाई साइड कर सकता है, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इट्स लाइक अ कॉलेज, जैसे आपको कॉलेज में मिलता है सेम उसी तरह आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये रहा यार फंक्शनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप लोग अपना 4 साल एक ऐसी जगह लगाओ, एक ऐसे कॉलेज में लगाओ जहाँ पे आपको यार मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो, ठीक है। तो आप लोग यार जाओ, इसके साथ सारा सब कुछ लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जाके फिल करो फॉर्म। इंटरेस्टेड होना भी चाहिए, बहुत ही सही चीज़ है आपके लिए, तो आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है यार, आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।